इस कमर्शियल रियल एस्टेट की ना सिर्फ पोजेशन अवेलेबल है बल्कि इसकी डबल कार पार्किंग है और ये बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 150 फीट वाइड DHA एक्सप्रेस वे के पास, विच इज़ द बिगेस्ट रोड बाय DHA इन रावलपिंडी इन इस्लामाबाद। और आज जो प्रॉपर्टी, जो रियल स्टेट आपको दिखाने जा रहे हैं, वो DHA एक्सप्रेस वे पे ही लोकेटेड है। ठीक है जी, लेट्स जस्ट फर्स्ट टॉक अबाउट इट्स एड्रेस एंड साइज। इसका जो एड्रेस है वो ब्लॉक C3 है, सेक्टर H, DHA फेज 5 में, जहाँ पे रिसेंटली तकरीबन 5 माह पहले DHA ने 8 और 4 मल्ला के कमर्शियल प्लॉट्स लॉन्च किए हैं। ये जो कमर्शियल प्लॉट है ये सर्विस रोड पर है, चूँकि 4 मल्ला इसका साइज़ है। जितने भी कमर्शियल प्लॉट हैं वो सारे 4 मल्ला के सर्विस रोड के ऊपर हैं। ठीक है जी, अभी आप देख रहे हैं ये पीछे सारी सर्विस रोड है, और जहाँ तक आपको नज़र आ रही है ये जितने भी कमर्शियल प्लॉट्स हैं साथ साथ, ये सारे 4 मल्ला के कमर्शियल प्लॉट हैं और हम ब्लॉक C3 में खड़े में हैं। ठीक है जी, अगर इस प्लॉट की डायमेंशन की बात करें तो 30x30 यानी कि परफेक्ट स्क्वायर डायमेंशन में ये 4 मल्ला के प्लॉट हैं। जैसे 8 मल्ला के प्लॉट जो हैं उनकी डायमेंशन में कुछ डिफरेंस आ जाता है समटाइम्स, कुछ ऐसे प्लॉट भी हैं जिनका फ्रंट जो है वो 50 फीट वाइड होता है 8 मल्ला में, लेकिन 4 मल्ला के केस में बिल्कुल ऐसा नहीं है। सारे 4 मल्ला के जो प्लॉट हैं वो 40x40 उनकी जो है वो डायमेंशन है। ठीक है जी, प्लॉट पे हम आ चुके हैं, एड्रेस साइज आपको बता चुके हैं। लेट्स जस्ट फर्स्ट शो यू द प्लॉट, देन वी विल टॉक अबाउट इट्स अट्रैक्टिव फीचर्स लेटर। प्लॉट पे इस वक्त हम आ चुके हुए हैं, आपने ड्रोन फोटोज में भी बड़ी डिटेल से प्लॉट देख लिया। अब आपको ज़रा प्लॉट का फ्रंट दिखाते हैं, जैसे हम अपनी तमाम प्रॉपर्टी विजिट्स वीडियो में आपको ड्रोन के साथ प्लॉट का फ्रंट भी दिखाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको फ्रंट दिखाते हैं। कैमरा मूव करें, सामने दिखाएं, 4 मल्ले का जो कमर्शियल प्लॉट है हम उसके बिल्कुल सामने खड़े हैं। इस वक्त जो कैमरे में आपको नज़र आ रहे हैं ये भी सारे 4 मल्ला के प्लॉट हैं, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी अब आपको नज़र आ रही है बिल्कुल कैमरे के सामने। 4 मल्ले का ये कमर्शियल प्लॉट है, जैसे मैंने आपको बताया 30x30 इसका जो है वो डायमेंशन है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स टॉक अबाउट अट्रैक्टिव फीचर्स, क्योंकि इसके फीचर्स बड़े मज़ेदार हैं, बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, सबसे बड़ा इसका फीचर ये है कि ये ब्लॉक C3 में लोकेटेड है, जो जितनी भी ये लेफ्ट साइड की कमर्शियल स्ट्रिप्स हैं उनके सेंटर में है ये। ठीक है, ना ये आगे करके है बहुत ज़्यादा, वो साइड पे भी कमर्शियल स्ट्रिप्स चल रही हैं, C4, C5, C6 और उसके बाद DHA फेस 6 का जो है वो ब्रिज आ जाता है, और हम ब्रिज के क्रॉस फेस 6 शुरू हो जाता है, ये उससे बहुत पहले है। ठीक है, ये जो शुरू के ब्लॉक्स हैं जैसे C1, C2 और C3 और उस साइड के भी H1, H2, H3 ये ब्लॉक्स अच्छे समझे जाते हैं। ठीक है, अब ये सेंटर में है, इसका मतलब ये है कि इर्द गिर्द की जो जब यहाँ पर आबादी आ जाएगी तो वो सारी फीड करेगी इस प्रॉपर्टी की प्रॉफिटेबिलिटी को। ठीक है, अब मैं आपको ज़रा इर्गिर्द की आबादी का बताता हूँ। वैसे भी हम अपनी जब भी बहुत ज़्यादा कमर्शियल प्रोडक्ट कवर कर चुके हुए हैं और भी आपकी प्रॉपर्टीज दिखाते रहे हैं, बट मैं लेट मी रिपीट दैट कि ये जो प्रॉपर्टी है ये सेक्टर H के सामने है। ये सामने जो आपको घर नज़र आ रहा है बन रहा है, ये है सेक्टर H में बना हुआ। ठीक है, अक्रॉस भी मुझे 2 घर नज़र आ रहे हैं दरख्तों के उस पार, सामने इस तरफ आए, ज़रा थोड़ा सा कैमरा मूव करें, वो सामने अस्करी टावर 4 जो हैं DHA फेज 5 ओवरसी सेक्टर के जो पीछे हैं उनका ग्रे स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा आपको एक और सेक्टर दिखाते हैं, कैमरा मूव करें, सेक्टर F दिखाएं जहाँ पे वो सामने घर बने हुए हैं। सेक्टर F नज़र आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे 5, 8, 10 और 1 कनाल के घर मौजूद हैं। उसके अलावा सामने आपको स्क्री टावर 3 नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल रेडी हैं और लोग यहाँ पे रह भी रहे हैं, इनकी सेल परचेज भी होती है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया सेक्टर H और F जो मैंने आपको दिखा दिया। उस साइड पे सेक्टर G भी है, जिस वक्त कैमरा उस साइड पे ही हुआ हुआ है, पैन हुआ हुआ है, बट सिंस दरख्त है आपको वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा, वहाँ ही पोजेशन अवेलेबल है, 4-5 घर वहाँ पे भी बने होंगे। मतलब DHA फेज 5 ने अपनी पीक नहीं हिट की अभी, बिकॉज DHA फेज 5 ने अपनी पीक नहीं हिट की हुई, दैट व्हाट मेक्स दिस इन्वेस्टमेंट वर्थ इट। ठीक है, बट
आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड यू कि आप साल छः माह के लिए इन्वेस्ट करें, परचेज इट, होल्ड इट टू योर मैक्सिमम लिमिट, एटलीस्ट 3 years तो होनी चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर दैट इज़ गोइंग टू बी इवन मोर गुड, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये जिसके इर्गिर्द सेक्टर्स हैं F, H, G, फिर आगे फेज 6 है, जिसने भी फेज 6 जो भी जा रहा होगा टूवर्ड्स फेज 6 तो वो इसी साइड पे जा रहा होगा और यही कमर्शियल स्ट्रिप्स उसको पहले मिलेंगी, ठीक है। सामने वाली जो है वो रोड के उस पार हैं राइट लेन में। ऑन दैट नोट मैं आपको इसका एक और अट्रैक्टिव फीचर भी बताऊँ कि ये लेफ्ट साइड पर है, ठीक है। लेफ्ट साइड पर जो कमर्शियल है वो अमूमन हमने देखा है कि ज़्यादा चलता है एज़ कम्पेयर टू राइट, ठीक है। अब देखिए DHA हेड ऑफिस की इनॉग्रेशन भी सून एक्सपेक्टेड है, जब वो बन जाएगा तो जो लोग आ रहे होंगे जिन्होंने DHA हेड ऑफिस को एक्सेस करना होगा वो जाहिर है लेफ्ट साइड पे ट्रैवल करेंगे, रॉन्ग तो उन्होंने ट्रैवल करना नहीं है ऑन द राइट साइड, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न कि एक तो हेड ऑफिस का फैक्टर है, फिर दूसरी बात यह है कि लोग आगे फेज 6 जा रहे होंगे जब अगेन पूरी आबादी पीक हिट कर चुकी होगी और DHA वैली जो है वो भी ये DHA एक्सप्रेस वे जो है वो आगे जा रही होगी। सो तीन मैंने आपको भी इसके फैक्टर्स बता दिए हैं, एक तो ये है कि लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, हेड ऑफिस करीब है, उसके अलावा बड़े सेक्टर्स जो हैं उनके सेंटर में ये लोकेटेड है। एक इसका और फैक्टर है जो इसका मेरे मुताबिक काफ़ी की है, वो ये है कि डबल पार्किंग है इसकी। इस तरफ आए थोड़ा सा, एक तो सामने ये पार्किंग है, ठीक है, फिर सामने ये ग्रीन पैच है जो आपको भी कैमरा मूव हुआ है, उसके अक्रॉस फिर पार्किंग है, सर्विस रोड है एक और, फिर पार्किंग है और फिर और चार मल्ला के कमर्शियल प्लॉट है, यानी कि पार्किंग, ग्रीन स्ट्रिप, सर्विस रोड एंड पार्किंग, डबल पार्किंग हम इसे कहते हैं। मतलब कि कल को जब यहाँ बहुत ज़्यादा इन 5 years टाइम प्रॉबली यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी होगी, ठीक है, तो अगर यहाँ पे रश होगा फॉर एग्जांपल तो कोई पीछे भी गाड़ी पार्क कर सकेगा, इट्स नॉट अ बिग डील कि आप मतलब थोड़ी सी वॉक ही है आप यहाँ पे आराम से आ सकेंगे। और ये छोटे छोटे माइनर डिफरेंसेस होते हैं, दे रियली काउंट। अब सामने H ब्लॉक है, H सी उसकी डबल पार्किंग नहीं है, कल को जब आप इसको 4-5 साल बाद सेल कर रहे होंगे तो लेना तो उसने है जहाँ पे जिसने यहाँ पे प्लाजा खड़ा करना है, ठीक है, अपना प्रोजेक्ट बनाना है यहाँ पे, ठीक है। वो लोग जो हैं वो इस तरह के माइनर डिफरेंसेस को बड़ा नोट करते हैं, जैसे लेफ़्ट साइड, ठीक है, जैसे हेड ऑफिस से कितना दूर है, जैसे पार्किंग की क्या सिचुएशन है, ये सारे फैक्टर्स पे बहुत रोल प्ले करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को और प्राइस को, ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्राइस। 3,40,00,000 इसकी प्राइस है, ठीक है। एज़ यू मूव फॉरवर्ड ऑन दी अदर ब्लॉक्स प्राइस गोज डाउन, बट ये सेंटर में आप कह लें इन स्ट्रिप्स की प्रीमियर लोकेशन पे इसलिए इसकी प्राइस 3,40,00,000 एंड ऑफकोर्स सब्जेक्ट नेगोसिएशन एंड एवरीथिंग, ठीक है जी। दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। नो शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सेंट्रल कमर्शियल में 4 मल्ला सर्विस रोड वेटिंग कमर्शियल प्लॉट जो है 5.5 करोड़ रुपये की आस्किंग में, ठीक है, 5, 25, 30, 35 तक आप कह लेंगे बात बन जाती है, उसकी डील बन जाती है। इसी के साथ आप कंपैरिजन कर लें 4 मल्ला के साथ सेंट्रल कमर्शियल के, तो अ गुड 20 मिलियन का गैप अवेलेबल है इसमें, ठीक है। एंड आई वुड से कि बीइंग सिचुएटेड ऑन DHA एक्सप्रेस वे क्लोज टू DHA हेड ऑफिस एंड ऑन द लेफ्ट साइड विद डबल कार पार्किंग, इसकी प्राइस जो है वो सेंट्रल कमर्शियल के 4 मल्ला को भी क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। छोटी सी आप एग्जाम्पल देता हूँ, कैमरा मूव करें, सामने 8 मल्ला कमर्शियल प्लॉट है, 7.5 से 8.5 करोड़ की आस्किंग में फिर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। कुछ तो 9 तक भी जा चुके हैं जिनके बड़े फ्रंट हैं, ठीक है। सेंट्रल कमर्शियल में अच्छी प्रॉपर्टी लियाकत अली खान जौहर अली जौहर बुलेवार्ड जो है वो 9.25 करोड़ तक है, ये इस हालत में इसके करीब आ गए हैं लॉन्चिंग के 5 महीनों के अंदर अंदर, तो आप इमेजिन कर लें कि इसकी प्राइस 8 मल्ले की या 4 मल्ले की एक टाइम पे उसको भी क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। सो स्क्रीन पे आपको नंबर मेरा शोर है, फॉर एनी डिटेल्स रिगार्डिंग दिस प्रॉपर्टी और एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी रावलपिंडी इस्लामाबाद, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। थैंक यू वेरी मच।